हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के मेंस में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसका रिवीजन हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर की, हाँ लीनियर इक्वेशंस की हमें जो पेयर दी है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ये तीनों रेशियो के ऊपर से लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या तो कोइंसिडेंट है, ठीक है, और उसके ऊपर से उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या तो नो सॉल्यूशन है, इसके ऊपर से लाइन से वो कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है, ये सब कुछ हमने देखा था। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एल्जेब्रिक मेथड से हम आज स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसका वर्क हमें दिया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसका पहला तो आपको सबको आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 का 1 तो आप सब अच्छे से कर पाओगे इजी। ठीक है, एक बार मैंने जो आपको बुक में लिखवाया भी है, पहली बार हमने जब चैप्टर किया था तब मैंने आपको बुक में लिखवाया है, ठीक है, उसमें देख लेना, इजी है बहुत, मैं 2 करवा दी। ठीक है, 2 क्या है, एस माइनस थ्री इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है एस अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इसे बोल रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये एस माइनस थ्री इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 में 3 and 2 6, तो ये एलसीएम लेती हूँ, बाद में इसे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 6 एलसीएम लू तो 2 को एस से मल्टीप्लाई करूं, बी को 3 से, तो क्या आएगा 2s + 3b, ये 6 एलसीएम इस साइड जाएगा तो 36, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब देखो, मैंने जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाई थी तब मैंने ऐसा बोला था कि अगर दोनों इक्वेशन में जो दो वेरिएबल दिए हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर आपको 1 दिया है तो उसके इज इक्वल टू पहले लो, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होगा तो डेनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा। मैंने बोला था मैंने आपको लास्ट टाइम भी, ठीक है, पहले दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल को देखो, किसका कोएफिशिएंट 1 है उसे सपोज करो, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 में तो यहाँ पे 2 and 3 है, तो इक्वेशन 2 से मैं नहीं लूंगी, कहाँ से लूंगी, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, उसमें एस और टी दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो हो सके तो अगर दो चीजें अगर 1 दी हो, दोनों वेरिएबल का अगर कोएफिशिएंट 1 है तो जिसका पॉजिटिव है उसे लो, आया समझ में। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 दिया है तो जिसका पॉजिटिव है उसका लो। ठीक है, तो किसका पॉजिटिव है, एस का, तो इक्वेशन 1 से मैं ले रही हूं, तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, टी सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 + t। अब मैंने आपको बोला था ये वैल्यू आपको किस में रखनी है, ये किससे मिला, इक्वेशन नंबर 1 से मिला, तो ये वैल्यू अब आप 1 में नहीं रखोगे, किस में रखोगे, 2 में। ठीक है, ये वैल्यू आपको जिस भी इक्वेशन में मिली है उसी में वापिस नहीं रखना है, किस में रखना है, दूसरे इक्वेशन। ठीक है, तो 1 से मिला है तो 1 में नहीं रख सकती, किस में रखूंगी, 2 में। ठीक है, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, कि पुट दिस वैल्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 36,
करो तो टू थ्री सार सिक्स, टू इंटू टी मतलब टू टी प्लस थ्री टी इज इक्वल टू 36। ये 6 साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड टू टी प्लस थ्री टी मतलब 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 मीन्स 5t इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 30 डिवाइड बाय 5 मतलब 6 मिलेगा। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, ये वैल्यू किस में रखूंगी? आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, और ये जो s की वैल्यू मिली थी ना उसमें भी रख सकते हो। किसी में भी रख के हम s फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये वैल्यू आपको जिस भी इक्वेशन में से मिली है उस इक्वेशन में वापिस नहीं रखनी है। बाद में तो आपको जो वैल्यू मिलती है उसे आप किसी में भी रख सकते हो, इक्वेशन 1-2 में या तो ये नई वैल्यू में किसी में भी। ठीक है, मैं रख रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या लिखूंगी कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखे हो तो s माइनस t की जगह पे क्या आएगा 6, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। माइनस 6 इस साइड जाएगा तो प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 मतलब कि s इज इक्वल टू 9। मिल गई दोनों वेरिएबल की वैल्यू t एंड s। क्लियर, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप सबके पास बुक में लिखा हुआ तो है, फिर भी अगर लिखना हो तो लिखो। हो गया, ठीक है। अब फिर भी आप अपने आप से खुद से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, थ्री भी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, थ्री की आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी। थ्री में आपको एक्स और वाई की क्या मिलेगी? वैल्यू ही नहीं मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, आप ट्राई करके देख, करवाया ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 4। थ्री आप देख लेना, मैंने आपको बुक में करवाया है। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ भी टफ नहीं है। अब हम देखते हैं 2 के बाद नंबर 4। 0.2x प्लस 0.31 इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो पहले सब में से डेसिमल रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सब में आप देख रहे हो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब कि सभी के डेनोमिनेटर में 10 आएगा। ठीक है, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसके डेनोमिनेटर में 2, तो 2x अपॉन 10 सॉरी 10 यहाँ पे 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 13 अपॉन 10। अब सबका डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसे दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 कि 1 एंड 2 तो यहाँ पे दे दिया, तो क्या आएगा 3। तो 1 के ऊपर से 3 मिला। अब ले रही हूं 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे भी सबके डेनोमिनेटर में 10 आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। ठीक है, सबके डेनोमिनेटर में 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे ही 3 एंड 4 को सॉल्व कर सकते हैं। 3 के ऊपर से मैं पहले x की वैल्यू ले रही हूँ। मैंने क्या बोला था कि देखो दोनों इक्वेशन में अगर किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, अगर नहीं है तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी x और y दोनों में से किसी का वेरिएबल 1 नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो आप किसी भी इक्वेशन में से x या y किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ इक्वेशन 3 से x की वैल्यू। ठीक है,
इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री से मुझे एक्स चाहिए तो थ्री बाई सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टू एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस थ्री बाई, ये टू कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस थ्री बाई अपॉन टू, ये भी गई एक्स की वैल्यू। अब मैंने आपको बोला था कि जिस इक्वेशन के ऊपर से ये वैल्यू मिलती है उसी में हम नहीं रख सकते, तो हमें इक्वेशन थ्री से ये मिली है तो थ्री में नहीं रख सकते, हम किस में रखेंगे फोर। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फोर। ठीक है, इक्वेशन फोर में ये वैल्यू रखो एक्स की प्लेस पर, तो फोर एज इट इज एक्स की प्लेस पर 13 माइनस थ्री वाई डिवाइड बाई टू प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नाउ ये आपको दिख रहा है 2 2 4, अब ये 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 13 2 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो क्या आएगा 2x माइनस 26 माइनस माइनस 6y प्लस 5y मतलब माइनस 5 इक्वल टू 23 को इस साइड ले गया, वाई को इस साइड ले गया, तो दोनों की साइड चेंज हो जाएगी, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या मिला 3, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसे में इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 में चाहो तो 1 2 में भी रख सकते हो, पर वो डेसिमल बीच में आएगा तो बेटर है इसमें ना रहे। ठीक है, तो 3 में या तो में या तो x की इस वैल्यू में किसी में भी रख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में मैं रख रही हूं, इक्वेशन 3 में ये है 2x एज इट इज प्लस 3y, तो 3 एज इट इज y की प्लेस पर ये इज इक्वल टू 30 आया, अब 3 3 9, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30, 9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 13 माइनस 9 मतलब 4, ये है 4, 2x इज इक्वल टू 4, अब हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, y मिला 3 और x मिला 2, ये हो गया नंबर 4। अब हम देखेंगे नंबर 5, ये वो आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया है तो वो सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, x की प्लेस पर क्या आएगा
इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री, तो थ्री हो जाएगा नेगेटिव साइन, इज इट इज माइनस थ्री वाई अपॉन टू इज इक्वल टू रूट एट वाई, या तो माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब टू क्या आएगा, एलसीएम आएगा, सॉरी रूट टू, रूट टू एलसीएम आएगा। अब आपको दिख रहा है रूट एट वाई, रूट एट का मतलब देखो ये रूट एट, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर एट टू, फोर टू सा एट, ठीक है। अब फोर का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, टू, फोर टू टू का रूट टू, रूट एट की जगह पे मैं टू रूट टू लिख सकती हूँ, ठीक है। ये रूट एट की जगह पे मैंने लिखा टू रूट टू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये रूट टू एलसीएम इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस थ्री वन, माइनस ये टू तो था और एक रूट टू था, ये रूट टू मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये तो रूट टू मल्टीप्लाई बाई रूट टू, मतलब टू एंड टू टू सा फोर, ठीक है। माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एलसीएम जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई मतलब माइनस सेवन वाई, माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो मिला, दैट मीन्स की वाई इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू में इक्वेशन वन टू किसी में भी रख दू, या तो एक्स की वैल्यू में रखू तो भी चलेगा, ठीक है। मैं रख रही हूँ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रूट टू एक्स एज इट इज प्लस रूट थ्री वाई की प्लेस पर जीरो इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, रूट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो लिखू या ना लिखू डजंट मैटर, ठीक है। नाउ ये रूट टू जीरो के डेनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, ये मिल गया वाई एंड एक्स, ठीक है। तो ये हो गया नंबर फाइव, हो गया जीरो। अब देखते हैं नंबर सिक्स, नंबर सिक्स दिया है थ्री एक्स अपॉन टू माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स। ना इक्वेशन वन में टू एंड थ्री डेनोमिनेटर में है तो एलसीएम सिक्स, सेम इक्वेशन टू में, तो पहले इक्वेशन वन से पहले सबका डेनोमिनेटर हटा के हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन वन एलसीएम सिक्स आएगा तो थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो नाइन, ये टू से होगा तो टेन है, ये एलसीएम डेनोमिनेटर यहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा तो ट्वेल्व टू सा सॉरी टू सिक्स आर ट्वेल्व, ठीक है। इसे दे दो इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। ऐसे ही हम कैसे करेंगे, टू में से फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में यहाँ पे थ्री टू एंड सिक्स, सबका एलसीएम क्या आएगा, सिक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करूँ तो टू एक्स, यहाँ पे थ्री से करूँ तो थ्री का, और यहाँ पे ऑलरेडी सिक्स है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो थर्टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ इक्वेशन फोर में से एक्स की वैल्यू, अब कहीं से भी दोनों में से कहीं से भी एक्स या वाई ले सकते हो, मैं फोर में से ले रही हूँ टू, ठीक है, इसी में से कर देती हूँ, देयरफॉर टू एक्स इज इक्वल टू थर्टी माइनस थ्री। अब एक्स चाहिए मुझे तो टू को इस साइड लेके जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू थर्टी माइनस थ्री वाई अपॉन टू आएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू में रख रही हूँ इक्वेशन नंबर थ्री में,
10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब 9 और 2 का तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 एलसीएम आएगा और 9 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 39 माइनस 9 27 माइनस 2 एलसीएम तो 20y और 2 एलसीएम तो 24। ठीक है, नाउ 27y एंड माइनस 20y मतलब माइनस 47y और ये माइनस 24 इस साइड आएगा तो प्लस, तो 117 प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 47 इस साइड गया तो प्लस, देन 4y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11 2 प्लस 2 4 141 डिवाइड बाय 47 शायद 47 पिज़्ज़ा होगा। हाँ, तो 47 पिज़्ज़ा 141, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 3। ये मैं कहाँ रखूँ, 3 या 4 किसी में भी रख सकती हूँ, मैं रख रही हूँ 4। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में y की वैल्यू रखो तो 2x एज इट इज प्लस 3, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 30, इस साइड जाएगा तो 9, 3 3 जा 9, इस साइड जाएगा तो माइनस, तो 30 माइनस 9 4, दैट मींस कि x इज इक्वल टू क्या मिला, क्लियर। ठीक है, ये लिख लो, हो गया नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।
ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं।